हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज की वीडियो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो में कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नाम बताने जा रही हूँ जो कनाडा के हैं। उन कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से आने वाले टाइम में इन पर्सन क्लासेस शुरू करने का ऐलान किया गया है। तो आज की वीडियो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हम जो भी अपडेशन कनाडा से आती है उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो के थ्रू पूरी जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप घर बैठे ये सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकें। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सारी वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कनाडा सरकार की तरफ से ये यकीन दिलवाया जा रहा है कि 2021 में सितंबर महीने तक सारे कनेडियंस को कोविड-19 के जो इंजेक्शन हैं वो लग जाएंगे, जिसको देखते हुए पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट फॉल सेमेस्टर के लिए इन पर्सन क्लासेस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि स्टूडेंट्स और स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए ही फॉल सेमेस्टर के लिए ये ऐलान किया जा रहा है। वहीं पर उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी ट्रैवल करने की इजाज़त दे दी गई है जिन्होंने लर्निंग इंस्टीट्यूट के जिन स्टूडेंट के इंस्टीट्यूट के पास कोविड-19 का रेडीनेस प्लान है, वो स्टूडेंट ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से प्रोविंस की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐलान किया है कि वो इन पर्सन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया की दो यूनिवर्सिटी ने ये प्लान तैयार कर लिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया और यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, जबकि वैनकूवर आयरलैंड यूनिवर्सिटी, थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी, साइमन फ्रेजर्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थन ब्रिटिश कोलंबिया, कैपलाना यूनिवर्सिटी और टेनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल इन पर्सन के लिए प्लान बनाने के लिए सोचा जा रहा है। अल्बर्टा की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की तरफ से बताया गया है कि वो अप्रैल 2021 से फैसला लेंगे कि क्लास फॉल में वो इन पर्सन या ऑनलाइन क्लासेस रखेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि फॉल में इन पर्सन क्लासेस लगनी स्टार्ट होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लैबरिज की तरफ से प्लान तैयार किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्केचवन की तरफ से भी प्लान तैयार किया जा रहा है और कुछ हद तक इन पर्सन क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। मैनिटोबा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैंडन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा और यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग की तरफ से ऑफिशियली अभी भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ओंटारियो प्रोविंस की तीन यूनिवर्सिटी फॉल सेमेस्टर में इन पर्सन क्लासेस स्टार्ट करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये तीन यूनिवर्सिटी का नाम ये है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ब्रॉक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा, जबकि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ विनिसर की तरफ से प्लान बनाया जा रहा है। क्यूबेक की एमसीगिल यूनिवर्सिटी की तरफ से उम्मीद है कि सितंबर में इन पर्सन क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, जबकि कनकोरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐलान करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। न्यू ब्रंसविक की थॉमस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन और इन पर्सन क्लासेस दोनों ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। फाइनल जो ऐलान है वो मई और जून महीने में किया जाएगा। नोवा कोशिया की अकाडिया यूनिवर्सिटी की तरफ से इन पर्सन क्लासेस शुरू करने की उम्मीद की जा रही है और डलहौजी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ हदायतों के साथ इन पर्सन क्लासेस शुरू करने की बात की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोविंस आयरलैंड की तरफ से भी उम्मीद की जा रही है कि इन पर्सन क्लासेस शुरू की जाएंगी। वहीं पर न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर की मेमोरियल यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इन पर्सन क्लासेस के लिए जल्द ही फैसला सुना दिया जाएगा। सो ये सारी यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cic.gc.ca पे जाकर आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। मींस के उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले टाइम में बच्चे जल्द ही क्लासेज अटेंड कर सकेंगे।
और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि जो भी हम न्यू अपडेशन के रिगार्डिंग वीडियो डाल रहे हैं वो सारी वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें और ये सारी जानकारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे ले सकें। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फ़ोन आपका सुबह 10 बजे से 4 बजे के टाइम में ही आना चाहिए। थैंक यू।